वहीं हल्द्वानी पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, सौरभ ने 8 अप्रैल को पत्नी का गला घोटा और अपनी दो बच्चियों को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने जगह जगह उसकी तलाश की, तब जाकर उसे रुद्रपुर गल्ला मंडी से गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस के सामने आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसकी पत्नी आस्था उर्फ अफसाना उस पर शक करती थी और शक की वजह से दोनों के बीच काफी झगड़ा होता था। झगड़े से तंग आकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 11 तारीख को एफआईआर की। उसके फादर, क्योंकि इसका पति जो था वो भाग गया था, इसकी दो बच्चियां भी रहती थी साथ में, इसके फादर की तरफ से तहरीर मिली, एफआईआर पंजीकृत हुई। और चूँकि मजदूर आदमी था, लेबर क्लास का, और ये इसकी अपनी पत्नी का जो कीपैड वाला फ़ोन था जो कि बंद था, उसको भी ले गया था, लेकिन वो फ़ोन चला नहीं था। और ये चूँकि लेबर क्लास का था, इसका कोई ठौर ठिकाना निश्चित था नहीं, ये कहीं भी जा सकता था। तो उस आधार पर जो पूर्व के जो उसके जहाँ जहाँ इसने काम किया, तो हमारे जो सी ओ सिटी हैं उनके निर्देशन में इसमें कई टीमें बनी थी। एक में हमारे एसओजी इंचार्ज संजीव राठौर थे, हमारे इंस्पेक्टर साहब खुद इसको लीड कर रहे हैं।